दोस्तों अभी अभी मैं एक और हमारे बीच में एक और जानकारी आई है कि सर्व शिक्षा सेवा समिति हर साल पिछले सालों से लगातार निरंतर हर क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए शांति पुरस्कार देती है। पिछले साल भी दिया, उससे पहले भी दिया, इस साल भी कई नाम पे चर्चा किया गया। और कई नाम चर्चा करने के बाद, क्योंकि सामाजिक कार्य में या सामाजिक उत्थान के लिए सराहनीय योगदान किसका रहा है, तो ये तमाम नाम पे चर्चा करने के बाद एक नाम हमारे सामने आया या चर्चा करके लाया गया, श्री सत्य प्रकाश शुक्ला जी का। उनको महाशांति सम्मेलन अवार्ड के लिए नामित किया जाता है। चूंकि उनके अभी मौजूदगी में वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, वो श्री राम भारती जी को अभी उनके जो प्रतिनिधित्व हैं उनका सत्य प्रकाश शुक्ला जी का शांति पुरस्कार लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद ये ऐलान किया जा चुका है। अब एक बार फिर से, चूंकि प्रोग्राम को इस ऐलान के बाद हम आगे बढ़ाते हैं, अब इस सिलसिले की समझ लीजिए कि लास्ट कड़ी हमारे बीच में मौजूद है। और सर ने एक चीज और बताई, श्री श्रद्धे देवेंद्र थेरो जी ने, कि गुरुओं का बहुत अहम रोल है। हम कहना चाहते हैं गुरुओं के साथ साथ पेरेंट्स जो यहाँ वालदैन बैठे हुए हैं, माता पिता, उनका भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि वो एक समाज का निर्माण करते हैं। एक बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में वो पढ़ाई करता है, गुरु जी कहते हैं सच बोलो, सच सुनो, सच कहो, लेकिन जब वो अपने घर में पहुंचता है और देखता है उसके माँ और उसके बाप गंदी गंदी गालियों से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो ये कहाँ वो सीखेगा नैतिकता, कहाँ से वो सीखेगा मॉरल वैल्यू, जो उसके कैरेक्टर है, जो कहाँ से सुधार आएगी उसके कैरेक्टर में। इसलिए जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर और जो भी यहाँ पे हमारे पेरेंट्स आए हैं, कि समाज का निर्माण आप करोगे। और अगर आपने भूल की इस बार कहीं भी भूल कर रहे हो अपने बच्चों की परवरिश में, कहीं भी गलत कर रहे हो उनके अखलाक को संवारने में, तो याद रखिए कि तारीख के पन्नों ने वो वक्त भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हमेशा पछताना पड़ेगा आपको और फिर 100 साल तक पछताते रहोगे, हिंदुस्तान और आप साथ साथ पूरा हिंदुस्तान 100 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी है। आज हम देखते हैं अपने समाज में कि एक लड़की जो 25 साल की उम्र को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन दहेज की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, ये है शांति, ये है नैतिकता, ये है अखलाक, ये जिम्मेदार हम हैं, ये स्कूल है, ये गुरु है, ये हमारा समाज जवाब होगा, ये हमारा समाज जिम्मेदार है। आपके अखलाक में गिरावट आई है, आपके करेक्टर में गिरावट आई है, एक एक्सीडेंट रोज रोड पे होता है, एक एक्सीडेंट जिसका होता है पड़ा तड़फड़ा रहा है, खून में लथपथ है, लेकिन हम उसको देखने नहीं जाते, उठाने नहीं जाते हैं कि कहीं पुलिस आके हमसे पूछताछ ना कर दे, ये कौन जिम्मेदार है, गुरु या समाज? यह भी समाज जिम्मेदार है। हम वो समाज चाहते हैं, हम वो समाज चाहते हैं कि जिस समाज के छप्पर उठाने के लिए गांव के 27-28 लोग जाया करते थे, हम उस समाज की कल्पना करते हैं। हमें वो समाज चाहिए कि ऐसे समाज का निर्माण चाहिए, ऐसे बच्चों की परवरिश आपको करनी है। अब हम एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहते हैं कि महफिल में 4 चांद लगाए थे हम, मगर जब तक ना आए आप उजाला ना हो सका। ये रात बहुत तारीख सही, ये रात भयानक रात सही, इस रात के सीने से पैदा एक सुबह गुलिस्तां करना है। मौलाना महफूज रहमान मदनी, इस्लामिक स्कॉलर, मदीना यूनिवर्सिटी, आए और अपनी बात को यहाँ पे रखें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام على من اتبع الهدى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه मंचासीन सनातन धर्म के सम्मानित धर्मगुरु माननीय भरत प्रसाद शुक्ला जी, जो शांति कुंज हरिद्वार से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर माननीय जनाब परवेज आलम अब्दुल हलीम मदनी साहब,
बौद्ध धर्म के सम्मानित धर्म गुरु माननीय भिक्षु देवेंद्र थेरो साहब, समस्त पत्रकार बंधु, इस क्षेत्र के समस्त सम्मानित क्षेत्रवासी, समस्त श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले अपने युवा सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महाशांति सम्मेलन के आयोजन पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु यहाँ पर उपस्थित हुए, सबने बड़ी दार्शनिक प्रेम शांति को बढ़ावा देने वाली बातें यहाँ पर की हैं। वास्तविकता यह है कि अगर धर्म में शांति संदेश ना हो, प्रेम संदेश ना हो, जोड़ने की बातें ना हो, जोड़ने की शिक्षा ना हो, इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य बताने वाली बातें ना हो, तो सत्य में वो धर्म ही नहीं होता। दुनिया के जितने धर्म हैं, अगर वो इन बुनियादी बातों से अपने आप को अलग मानते हैं, तो वो किसी मनुष्य विशेष के सिद्धांत हो सकते हैं, किसी विशेष दल की बातें हो सकती हैं, चंद बिगड़े हुए इंसानों के अपने विचार हो सकते हैं, वो धर्म की बातें नहीं हो सकती। धर्म विशेष रूप से शांति की स्थापना ही के लिए होता है। जितने भी धर्म हैं वो शांति की स्थापना ही के लिए आए हैं। और चूंकि मेरा संबंध इस्लाम धर्म से है, इस वजह से मैं इस्लाम धर्म की नुमाइंदगी करते हुए कैसे शांति की स्थापना हो सकती है, इस्लाम क्या प्रेरणा देता है, क्या सिद्धांत उसने बताए हैं, क्या उसकी शिक्षाएं हैं, कैसे प्रैक्टिकल रूप से समाज को अराजकता से, अशांति से, ईर्ष्या से, द्वेष से, हसद से, एक दूसरे की नफरत से, किस तरीके से समाज को मुक्ति दिलाई जा सकती है, बचाया जा सकता है, मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। देखिए, हम मेरा मानना है कि परमात्मा और आत्मा यही दो बुनियादी तत्व हैं किसी धर्म को इंसानों के सामने पेश करने के। जैसा कि हमारे माननीय भरत शुक्ला जी ने बहुत ही दार्शनिक बातें और मन को अपनी तरफ खींचने वाली बातें की हैं, उन्होंने बताया है कि परमात्मा सबसे बड़ा है और वो सब जानता है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्व महान है, और उसी से अपना संबंध जो भी स्थापित कर ले तो वो भी महान हो जाता है, उसके पास भी इस संसार का ज्ञान आ जाता है और इस संसार की वास्तविकता उसके ऊपर खुल जाती है। और जो अपने परमात्मा से दूर हो जाए, परमात्मा ही को ना पहचाने, अपने रचयिता को ना पहचाने, अपने पैदा करने वाले को ना जान सके, तो हकीकत में वो दुनिया में उसके जो सहभागी हैं जीवन में, वो उनका अधिकार कभी भी न्यायपूर्वक नहीं दे सकता। इस वजह से इस्लाम की शिक्षा यह है कि इस धरती पर आने वाले प्रत्येक मनुष्य का जीवन उद्देश्य यह है कि सबसे पहले वो उसको पहचाने। इसी वजह से हमारे गुरुजी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहला संदेश आया तो उसका उन्होंने नक्शा खींचा। वो पहला संदेश क्या था वो मैं आपको बताता हूँ।
वो पहला संदेश था इक्रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस जन्मदाता के नाम से जिसने पैदा किया, यानी अपने पैदा करने वाले को जानो पहचानो उसको। इक्रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने तुम्हें सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को, आसमान और जमीन को, आसमान और जमीन के मध्य पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को जिसने पैदा किया उसके नाम से पढ़ो, उसको जानो। ये पहली वही है इस्लाम के अंदर, और जानने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी वजह से उसी आयत के आगे आगे अल्लाह ने फरमाया اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم, पढ़ो उस अपने रब के नाम से जिसने कलम के जरिए से सिखाया, जो नहीं जानते थे वो बताया। कलम एक माध्यम है, माध्यम का जिक्र हुआ कि कलम का इस्तेमाल करते हुए इंसान जो नहीं जानता उन सारी चीजों को वो जान सकता है। आज कलम का वकार और उसका सम्मान भी दांव पे लग गया है, आज कलम बिकने लगा है, आज लोगों की जबानें बिक रही हैं, आज लोगों के विचार बिक गए। लोगों के पास अपना सर तो है लेकिन उनके सरों में अपने विचार नहीं है, लोगों के पास कलम तो है लेकिन उनके अपने शब्द नहीं है, लोगों के पास अपनी जबान तो है लेकिन उनके अपने शब्द नहीं है, अपने वाक्य नहीं है, उनके मुंह में दूसरों ने अपने वाक्य डाले हैं और अशांति अराजकता फैलाने के लिए ऐसे लोगों का आलयकार बन करके समाज में गैर समाजी अनासर अपना काम कर रहे हैं और हम लोग उनको अपना समझ रहे हैं कि ये हमारे अपने हैं। हालांकि वो नफरत फैला रहे, वो द्वेष फैला रहे हैं, वो खून की बात करते हैं, वो बांटने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं और फिर दावा करते हैं कि मैं फलां धर्म का मानने वाला हूँ, फलां धर्म का अनुयायी हूँ। कोई धर्म तोड़ता नहीं है, हर धर्म जोड़ने की बात करता है, प्रेम संदेश देता है। वो यही कहता है कि सारे संसार और ब्रह्मांड के तमाम लोग एक ही माँ और एक ही बाप की संतान। कुरान ने भी यही कहा, इन्ना खलकनाकुम, अल्लाह ने फरमाया कुरान में, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़िकर व उन्सा, ऐ लोगो, ऐ वो लोगो जिन्होंने मतभेद भाषा के आधार पर, सरहदों के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर जो बंटवारे कर लिए हैं, सब सुनो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़िकर व उन्सा, हमने तुम्हें एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया, एक ही स्त्री और एक ही पुरुष से पैदा किया। मानव जाति की आधारशिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शत्रुपा, जिनको हम हवा कहते हैं अपनी जबान में और हिंदी जबान में उनको शत्रुपा कहा जाता है, मानव जाति की आधारशिला यही दो लोग हैं, एक मर्द और एक औरत। और आगे अल्लाह ने फरमाया वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल, हमने तुमको अलग अलग विभिन्न देशों में बसाया, विभिन्न कबीलों में तुमको बांटा, अलग तुम्हारा रंग हो गया, शक्ल तुम्हारी अलग हो गई, छोटे कहीं हो गए, कहीं बड़े हो गए, कहीं काले हो गए, कहीं गोरे हो गए, कहीं की भाषा अलग हो गई, कहीं की बातें अलग हो गई, लेकिन ये मतभेद के लिए नहीं है, लितआरफ हो, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। अगर सारे एक ही रंग के हो जाएं, एक ही भाषा के हो जाएं, एक ही तरह के हो जाएं, एक ही कल्चर और सभ्यता के हो जाएं, एक ही संस्कृति लिए हो जाएं, तो फिर पहचान बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से बांटा गया, कुछ प्रांतों में रहने वाले लोग काले हैं, कुछ प्रांतों में रहने वाले लोग गोरे हैं, किसी का कद लंबा, किसी का छोटा, ये सिर्फ पहचान के लिए है, मतभेद के लिए नहीं है, जो है बांटने के लिए नहीं है, छोटा और बड़ा बनाने के लिए नहीं है। ये इस्लाम के मूल सिद्धांत हैं, ये इस्लाम की मूल शिक्षाएं हैं और इसको प्रैक्टिकली इस्लाम ने इसको साबित किया है, प्रूव किया है इन सिद्धांतों के असास पे कि लोग ना बटे, इसको उन्होंने अपने पूजा पद्धति में साबित किया है। मैं मिसाल देता हूँ, मुसलमान ने चाहे वो अल्लाह की धरती पर, चाहे वो किसी दीवार के अंदर अल्लाह की पूजा कर रहा हो जिसको हम मस्जिद कहते हैं, अपने घर में पढ़ रहा हो, कहीं वक्त हो जाए, समय हो जाए और अल्लाह की पाक और पवित्र धरती मिल जाए, वहीं खड़ा हो जाए, तो फिर वहां पर सारे भेदभाव मिट जाते हैं, छोटे और बड़े के बीच का अंतर खत्म हो जाता है, सब एक हो जाते हैं, एक ही हो गए महमूद और अयाज,
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلی صف میں جو پہلے آ جاتا ہے نماز کے لیے، وہ چاہے جھاڑو لگانے والا گاؤں کا کیوں نہ ہو، چاہے جس حیثیت کا ہو، اس کا وہی ادھیکار رکھتا ہے۔ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا گاؤں کا بڑا آ کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے فلاں اٹھو پیچھے جاؤ، اس لیے کہ میں گاؤں کا بڑا ہوں میں یہاں پر بیٹھوں گا۔ اس کے ہاں سب برابر ہیں، ہماری نمازوں میں سب برابر، چھوٹے بڑے اونچ نیچ کا بھید بھاؤ ختم ہو جاتا۔ دوسری جو بہت بڑی ہماری عبادت ہے وہ ہے کہ آج سماج میں کیوں اشانتی پھیلی ہوئی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے کہ پورے وشو کے جتنے جو ہے جتنے دھن سادھن جتنی سمپتی ہے اس کا 80%، کتنا 80%، وہ صرف 20% لوگوں کے ہاتھ میں۔ کتنا 80% جتنی سمپتی پورے وشو کی ہے وہ وشو کے 20% لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور 80% لوگوں کے ہاتھ میں صرف 20% پونجی ہے۔ تو یہ سماج کے بیچ میں یہ انیائے کا ایک راستہ کھلتا ہے، ایک راستہ کھلتا ہے انیائے کا، اور اس کا حل اسلام نے یہ دیا ہے کہ چڑھاوا اسلام میں نہیں ہے، معاف کیجئے گا کہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کسی نے جو ہے ہری جھنڈی لگا لی اور ایک کسی انسان مرے ہوئے انسان کے اوپر اس نے اس کی قبر کو اونچا کر لیا، پکا کر لیا، اور وہاں پر اس نے اپنے دین کو بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے۔ اسلام کی شکشا تو یہ ہے کہ جب تک انسان اس جیون میں ہے تب تک وہ ایک بھرپور جیون ویتیت کرے، گزارے، اور اپنے سدھانتوں کے آدھار پر وہ لوگوں کو ان کا ادھیکار دے، لوگوں کے ساتھ پریم شانتی بنائے رہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا بھلائی کا برتاؤ کرے، چھوٹوں کے ساتھ اس کا معاملہ پریم کا ہو، بڑوں کے ساتھ اس کا معاملہ سمان کا ہو، اور ان چھوٹوں اور بڑوں میں سب سے قریب جو اس کے ہوتے ہیں اس کے ماتا پتا ہوتے ہیں۔ ماتا پتا کے بارے میں اسلام کی جو ہے شکشا کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ نرڑے ہے، یہ فیصلہ ہے تمہارے رب کا، اللہ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم سب مل کے اسی ایک کی اپاسنا کرو، اسی ایک کی پوجا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ وہ تو تمہارا اصل رچیتا ہے، اصل بنانے والا ہے، اصل جنم داتا ہے، تو تم سب مل کر کے، پوجا کا ادھیکار صرف اسی کو ہے، اسی کو پوجو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ اصل پیدا کرنے والا، بنانے والا، اس کے اس پیدا کرنے کے اس سسٹم میں سب سے زیادہ سہیوگ ماتا اور پتا کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ان کے ساتھ سدبھاؤ کا معاملہ ہوگا تو یہ سب سے اہم شکشا ہے اسلام کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، ماتا پتا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا ویوہار کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے فرمایا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بڑھاپے کی اودھی کو پہنچ جائیں، اس سمے تک وہ پہنچ جائیں جب ان کا بچپن واپس آ جاتا ہے، جب ان کی عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ بچوں کی طرح مچلنا شروع ہو جائیں، تو پھر ان کی کسی بات پر تم اف بھی نہ کہو۔ جیسے انسان کوئی چیز پسند نہیں کرتا، اپیری ہوتی ہے تو کہتا اف، یہ اف بھی نہیں کہنا ہے ماتا پتا کے سامنے۔ ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے ان کو دکھ پہنچے، ان کو پیڑا ہو، کوئی بات نہیں کہنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے بہت پیار، بہت ہی شالین بات ان کے سامنے کرنی ہے، ان کو اپنے گلے لگانا ہے، ان سے پریم اور محبت کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شکشا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے جو قرآن کریم میں دی گئی۔ اس کے بعد ماتا اور پتا کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، تو ماتا اور پتا کا کرتویہ، جیسے یہاں پر ہمارے دھرم گروؤں نے کہا کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں، جو ہمارے
जो एक गुरु हैं, जो हमारे पढ़ाने वाले हैं, उनका कुछ कर्तव्य है, कुछ कर्तव्य माता पिता का है, कुछ कर्तव्य समाज का है। इसलिए कि इन तीन जगहों से कोई भी नया बच्चा सीखता है, सबसे पहले तो अपने घर में सीखता है, माता पिता को पाता है, और माता और पिता ही को वो अपना रोल मॉडल मानता है, अपना रोल मॉडल मानता है। इस वजह से हर माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप को गलत कार्यों से, गलत बातों से अपने आप को दूर रखें, ताकि जो नई जनरेशन है, जो नई नस्ल है, वो अच्छी बन सके। अब यहाँ से उठ करके जब जाएगा तो स्कूल में जाएगा, स्कूल में शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को वो सिद्धांत दें, वो बातें सिखाएं जिससे प्रेम शांति स्थापित हो, जिससे शांति की फिजा, शांति का वातावरण बने, झगड़ा द्वेष नफरत की कोई बात ना हो। आज सूरत हाल ये है कि हमारे शिक्षा संस्थानों के अंदर, हमारी तालीम गाहों के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर आज बांटने की बात होती है, और इसके लिए राजनैतिक तत्व आगे आगे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, राजनैतिक तत्वों की तरफ से जो निर्धारित दिशा और दशा है उसी को लेकर के आज अराजकता है, उसी को लेकर के आज अराजकता है। और समाज के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज के जो सम्मानित लोग हैं, उनको इस साजिश को समझने की जरूरत है। इसलिए कि भारतवर्ष ये पूरे विश्व का शांति जो है संदेश का नायक था, पूरे विश्व के अंदर ये शांति का पैगाम देता था। आज उसी वही शांति को तरस रहा है, आज उसी के अपने लोग आपस में लड़ रहे हैं। और कहा गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा लोग अलग अलग रहेंगे, एक जिस तरह से एक बाग होता है, जिस तरह से एक बगीचा होता है, उसमें अलग अलग किस्म के फूल होते हैं तो बाग बड़ा खूबसूरत लगता है। इसी तरीके से भारतवर्ष के अंदर हर धर्म के लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है, स्वागत किया गया है। यहाँ पर 1450 साल पहले इस्लाम आया तो मालाबार की साहिलों पर उतरा, और इस्लाम ने सबको समानता दी, इस्लाम ने सबको एक माना, एक ही। और वहाँ पर जातिवाद से लोग त्रस्त थे, वहाँ पर ऊंच नीच था, वहाँ पर भेदभाव था, बड़े छोटे की के बीच में अंतर था। इस वजह से वहाँ के लोग जो त्रस्त थे, बहुत सारे मुसलमान हो गए। ये बात मिथ्या है, झूठ है कि इस्लाम यहाँ पर आक्रमणकारियों के माध्यम से आया है। वो जो लोग आए थे वो शासन और सत्ता के लिए आए थे, शासन और सत्ता पर बातें नहीं होंगी, लेकिन जो लोग प्रेम संदेश लेकर के आए थे, हकीकत में उन्होंने समानता की शिक्षा दी, और इसी समानता की शिक्षा की बुनियाद पर आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हर जगह मौजूद हैं। और माफ कीजिएगा, इक्का दुक्का हर समाज के अंदर लोग होते हैं, और इक्का दुक्का काली भेड़ों की बुनियाद पर किसी समुदाय को, किसी धर्म को कसूरवार नहीं बनाया जा सकता। आपको मैं बताऊं, आज इस्लाम के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है, नऊज बिल्ला। पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह 114 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 114 चैप्टर्स हैं। और मैं कहता हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यहाँ देवियां बैठी हैं, यहाँ सज्जन बैठे हैं, यहाँ छोटे हैं, बड़े हैं, समाज सेवी लोग भी हैं, यहाँ पर शिक्षा पर काम करने वाले लोग भी हैं, यहाँ पर धर्म गुरु भी हैं, मैं सबके सामने ये बात रखूंगा कि आप कुरान करीम को अपनी भाषाओं में लेकर के पढ़ो, आप लेकर के पढ़ो। हमारा मानना है कि इस धरती की सबसे सुरक्षित किताब जो अवतरित हुई है, जिसको किसी ने गढ़ा नहीं। अगर आप कुरान उठाएंगे हिंदुस्तान के अंदर तो वहां पर राइटर का नाम नहीं मिलेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम नहीं मिलेगा कि मोहम्मद ने इसको लिखा है, नहीं नाम मिलेगा। आप इसी कुरान को चाइना के अंदर पाएंगे, इसी कुरान को आप अरब के अंदर पाएंगे, इसी कुरान को अफ्रीका के अंदर, दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे के अंदर पाएंगे। और इस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, ہم قرآن کریم میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جو لوگوں کی ہر پریشانی کا سمادان ہے, ورحمہ اور دیا ہے, کروڑا ہے, جس کے اندر مرسی ہے۔ اگر اس کو ہم اور آپ پڑھیں گے تو سارے فتنے, ساری سمسیاؤں کا سمادان اپنے آپ ہو جائے گا, لوگ آپس میں ایک ہو جائیں گے, نیک ہو جائیں گے, جھگڑا کا انت ہو جائے گا۔ 114 چیپٹر ہیں, اور 114 چیپٹر پڑھیے, ध्यान से पढ़िए, उसकी व्याख्या देखिए, उसका तर्जुमा देखिए, उसका माना देखिए, और किसी एक आयत के अंदर आतंक की बात कही गई हो आप हमें बताइए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर तो न्याय के सिद्धांत बताता है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदलू इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा, तुम्हें किसी कौम से अगर दुश्मनी है तो यह दुश्मनी भी तुमको इस बात पर न उभारे कि तुम उसके किसी मामले में अन्याय से काम लो। न्याय उसके साथ भी करना है, जो तुम्हारा शत्रु है उसके साथ भी न्याय से काम लेना है। इसी तरीके से इस्लाम की का सिद्धांत है कि आपस में एक दूसरे का माल न खाओ, एक दूसरे का माल। मैं आपको यहाँ पर बता दूं अशांति अराजकता क्यों फैलती है। इंसान के पास बहुत प्रिय चीज है, उसका उसकी जान है, उसका माल है, उसकी इज्जत आबरू है और अकल है। ये चार पांच चीजें इंसान के पास बहुत ज्यादा अमूल्य हैं। जान बहुत अमूल्य है और जान के बारे में इस्लाम का ये मानना है कि किसी को अगर कोई बेगुनाह रहते हुए, इनोसेंट रहते हुए अगर कोई मार देता है तो एक इंसान, एक मनुष्य की हत्या पूरे विश्व के तमाम मानव जाति की हत्या के समान। ये कुरान का कहना है, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन फकअन्नम कतल अन्नास जमीअ। ये परवेज साहब ने आयत पढ़ी है कि जिस शख्स ने किसी एक मनुष्य की हत्या की तो गोया कि उसने पूरे ब्रह्मांड की हत्या की। जिस धर्म की ये बुनियादी बात हो, ये सिद्धांत हो, उस धर्म के मानने वाले लोगों की जान लें, ये बात समझ में नहीं आती है। और मैं आपको तारीख के हवालों से बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तकरीबन 4 मिलियन लोग मारे गए। कितने लोग? 40 लाख लोग मारे गए हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर तकरीबन 5 मिलियन से 6 मिलियन लोग मारे गए हैं। इसी तरीके से आप देखें जहां पर नरसंहार हुआ, जहां पर जेनोसाइड हुआ है, आप देख लीजिए कि जो है इस्लाम के अनुयायी नहीं है, इस्लाम के अनुयायी नहीं है। और आज जहां पर मुसलमान बसते हैं, मुसलमान खुद अपने देशों में त्रस्त, चाहे वो सीरिया का मामला हो, चाहे इराक का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, और खुद हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था, आज धर्म के नाम पर बन नहीं कि वे सबसे ज्यादा अशांति और सबसे ज्यादा अराजकता, सबसे ज्यादा कत्लो गारत गरी वहीं आपस में पाकिस्तान में है, आपस में लड़ रहे हैं लोग, आपस में लड़ रहे हैं लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये इल्जाम इस्लाम पर लगना कि इस्लाम अशांति फैलाता है, इस्लाम ये आतंकवाद सिखाता है, ये मिथ्या है, झूठ है, ये बेसलेस बात है, इसकी ये किसी आधार पे आधारित नहीं है, ये फजूल बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इंसान के पास अक्ल है, ये बहुत अमूल्य चीज है। इस अक्ल की हिफाजत करने के लिए इस्लाम ने क्या सिस्टम बनाया? इस अक्ल की हिफाजत करने के लिए इस्लाम ने पूरा शिक्षा दर्शन पूरा इस्लाम ने दिया कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, और उसके बाद कोई इस ऐसी नशा की चीज या मादक पदार्थ का प्रयोग न करो जिससे तुम्हारी अक्ल को हानि पहुंचे। इसी वजह से इस्लाम में हर मादक पदार्थ हराम है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ड्रग्स के नाम पर इस्तेमाल होने वाली चीज हो, अफ्यून हो, गाजा हो, इसमेक हो, ब्राउन शुगर हो, हीरोइन हो, चाहे वो पाउडर की शक्ल में हो, चाहे वो मादक पदार्थ की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, उसकी तिजारत, हत्ता की मुसलमान तिजारत भी नहीं कर सकता, तिजारत उसकी नहीं कर सकता, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता है उसकी, उसको फैला नहीं सकता, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है ऐसा तो बहुत कठोर दंड है इस्लाम में। अरब मुल्कों के अंदर चले जाइए, ड्रग ट्रैफिकर्स की सजा मौत है, जान से मार दिए जाएंगे, इसलिए कि ड्रग ट्रैफिकर्स पूरे समाज के लिए खतरा होता है। ड्रग लेके जाने वाला जो स्मगलिंग करते हैं ड्रग्स की, कभी कोई पेट में लेके जाता है, कैप्सूल लेकर के पकड़ा जाता है एयरपोर्ट के अंदर, कभी कोई किसी शक्ल में लेके जाता है, पकड़ा जाता है तो डेथ सेंटेंस है उसकी सजा, मौत की सजा उसको दी जाती है। दूसरी चीज, इंसान के पास उसका बहुत अमूल्य जो है, अमूल्य शय, उसकी चीज, उसका माल। माल के बारे में क्या कहा इस्लाम ने? कहा ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, तुम माल एक दूसरे का गलत तरीके से ना खाओ। गलत तरीके से कैसे माल खाया जाता है? रिश्वत के जरिए से। आज सर्वे आया है और भारत एशिया के तमाम करप्ट देशों में सबसे क्या है, ऊपर है। निचली सतह से लेकर के ऊपरी सतह तक हर जगह करप्शन है, छोटे कर्मचारी से लेकर के व्हाइट कॉलर कर्मचारियों तक हर कोई लेन देन में लगा हुआ है, लेन देन में लगा हुआ है। इस वजह से इस्लाम की ये शिक्षा है कि ये सारा सिस्टम अवैध है, रिश्वत नहीं लेना है,
सूद हत्ता की सूद नहीं लेना, इसलिए कि सूद और इंटरेस्ट का जो निजाम होता है वो फायदे की बुनियाद पर होता है। जो सूद देता है कभी उसका नुकसान नहीं होता, कभी उसकी तिजारत घाटे में नहीं जाती है, जबकि इस्लाम में तिजारत को जायज करार दिया गया है, व्यापार को जायज करार दिया गया है, सूद को गलत कहा गया। इसी तरीके से धोखा देना, जैसे ऊपर सामान भी सूखा रख दिया और नीचे गीला रख दिया, ऊपर बड़े बड़े सेब रख दिया नीचे छोटा सेब रख दिया और पूरी टोकरी बेच रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्शना फलीस मिन्ना, जो धोखा दे बाजार में, ऊपर सूखा रखे नीचे भीगा रखे, ऊपर बड़ा रखे नीचे छोटा रखे, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। इसी तरीके से झूठ और बुरे गलत कस्में खा करके तिजारत करने और बेचने से इस्लाम ने मना किया। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अपना सामान झूठी कस्में खा करके बेचता है अल्लाह उसकी तिजारत में बरकत ना दे। आज देख लीजिए बाजारों में जाइए और उसके बाद 10 रुपए का सामान रहता है, बेचने वाला कहता है भगवान कसम अल्लाह की कसम 100 रुपए में लाए ताकि वह 110 में बेच ले जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया गलत है, झूठी कसम खा करके अपने सामान को मत बेचो, इसलिए कि ये धोखा देना। इसी तरीके से वचन भंग करना, इसी तरह झूठ बोलना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान कभी वचन भंग नहीं कर सकता, मुसलमान हमेशा वफादार होता है अपनों के तई भी और दूसरों के तई भी। ये इस्लाम की बुनियादी शिक्षाएं हैं मेरे, ये इस्लाम की बुनियादी बातें हैं। इसी तरीके से इंसान के पास उसका अमूल जो बहुत कीमती चीज उसके पास वस्तु जो है वो उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत है। और इज्जत की सुरक्षा कैसे इस्लाम ने की है, मर्दों के लिए कहा कि ऐ मर्दों ऐ इंसानों जब तुम अपने घरों से बाहर निकलो तो अपनी निगाहें झुका करके रखो, अपनी निगाहें झुका करके रखो। औरतों से कहा कि औरतें जब अपने घरों से बाहर निकलें तो पर्दे में जाएं, तो जिनके दिल में मायल है वो देख नहीं पाएंगे, फितने में मुब्तला नहीं होंगे। औरतों से कहा खुशबू लगा करके ना निकलो, इसलिए कि किसी के कान में खुशबू जाएगी तो तुम्हारे जिस्म के शरीर के बारे में सोचना शुरू कर देगा। कोई झनकारदार जेवर पहन करके ना जाओ, इसलिए कि अगर झनकारदार जेवर पहन करके कोई सुनेगा तो वो जो है फितने में मुब्तला हो सकता है। ये इस्लाम की बुनियादी बातें हैं। और अगर कहा कोई आदमी बदमाशी करते हुए अगर ये जुर्म करता है, शादीशुदा अगर हो गया, शादी बस दो से पांच पांच शादी शुदा अगर हो गया, चूंकि आपने मुझे एकदम आखिर में दिया और लोग एग्जॉस्टेड भी हैं, मैं भी एग्जॉस्ट हूँ, 5 मिनट और लूंगा ताकि मेरी बात पूरी हो जाए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी ऐसा जो शादीशुदा है चाहे मर्द हो और औरत, वो अवैध संबंध बना लेता है तो इस्लाम का कठोर दंड ये है कि दोनों को सरेआम मजलिस में खड़ा करके उनको इतने पत्थर मारे जाएं कि उनकी जान निकल जाए और दूसरे लोग इससे इबरत लें, ये इस्लाम की सजा। और अगर शादी नहीं हुई है तो कोड़े मारे जाएं उनको ताकि दूसरे लोग देख करके डर जाएं या जुर्म ना करें। ये इस्लाम की बुनियादी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर शांति स्थापित हो। इस तरह से अगर हम और आप मिल करके धर्म और जातिवाद के नाम पर जो नफरत है और वो भी राजनैतिक तथ्यों के जरिए से अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी भीड़ बनाने के लिए, अपना पावर बनाने के लिए, शासन और सत्ता में ज्यादा दिनों तक बैठे रहने के लिए वो हमारा दुरुपयोग करते हैं, हमारे मतों का दुरुपयोग करते हैं और उसके बाद भारत को तोड़ने की बात करते हैं, अलग अलग जो है लोगों को करने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में, सिख ईसाइयों के बीच में नफरत के बीज बोना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, पैगाम दीजिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये पूरा हिंदुस्तान ये अगर एक हो जाए तो हकीकत में सुपर पावर बन सकता है। और अगर इसी तरीके से लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो जब अशांति रहेगी तो डेवलपमेंट की बात कहां होगी, जब हमारे घर जलते रहेंगे तो फिर हम बनाने की बात कहां कर सकते हैं, जब आग जलेगी तो फिर उसमें जलने की बात होगी, उसमें तामीर की बात नहीं होगी, उसमें बनाने की बात नहीं होगी। इस वजह से ऐसे सामाजिक तथ्यों के खिलाफ हमारा आप मिल करके हाथ में हाथ डाल करके यहाँ पर जातिवाद धर्म और संप्रदाय न देखते हुए इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए, इस प्रेम संदेश को आगे ले जाने के लिए हमें और आपको आगे आना होगा।
और बहुत अच्छी पहल की है सर्व शिक्षा सेवा समिति के हमारे जो है आयोजकों ने, हमारे युवा पीढ़ी के लोगों ने, परसा पलई के जिम्मेदारों ने और इस क्षेत्र के तमाम वासियों ने, तमाम श्रोतागण ने बड़े धैर्य के साथ, बड़े सब्र के साथ तमाम धर्मगुरुओं की धार्मिक बातें सुनी है और सबने प्रेम संदेश ही दिया है, सबने प्यार का पैगाम ही बांटा है। इसको लेकर के जाइए और बी द टॉर्च बियरर, बी द टॉर्च बियरर, मशाल बरदार बनिए, प्रकाश को लेकर के फैलने वाले बनिए। इसको मुट्ठी में न बंद कीजिए, रोशनी मुट्ठी में बंद होने के लिए नहीं होती, रोशनी फैलाने के लिए होती है। इस रोशनी को फैलाइए, बहुत मुमकिन है कि परसा पलई की ये छोटी सी जगह, ये पूरे विश्व की शांति के लिए एक संगमेल, एक मील का पत्थर साबित हो जाए और सारे लोग इस मिशन से जुड़ करके अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरिया में इस तरह के सभाओं का आयोजन करें और प्रेम शांति का ये संदेश सबको, लोगों को पहुंचाएं। मैं इन्हीं बातों पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, शुभकामनाओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भारतवर्ष को, हमारे हिंदुस्तान को जो है यूनाइट रखे, मुत्तहिद रखे, जो है एकता हो अनेकता के अंदर, और एक बाग की तरह, जिस तरह एक बाग में तमाम फूलों को लोग सूंघते हैं और बाग खूबसूरत होता है, इसी तरह से सबको सद्भाव के साथ, अच्छी फीलिंग और अच्छे एहसास के साथ सबको गले लगाएं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलाम वालेकुम।